नहीं देंगे, हम सभी नागरिक है, हम इसका पूरी तरीके से खिलाफ है। ये आपनी वोट बैंक के लिए बोल रही है, इसमें कोई ग्राउंड रियलिटी भी नहीं है और इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जहाँ पार्लियामेंट का दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित हो गया, वहाँ कोई इंडिविजुअल का कोई ओपिनियन उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। दादा ये भी कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता प्रमाण जो जारी करने के केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले के खिलाफ नहीं, नहीं मैं इसमें इतना डिटेल्स टिप्पणी नहीं करूँगा। ये नीचे का मामला है, भारत सरकार सही वक्त पर सही कदम उठाएगी, हम लोग का पूरा उम्मीद है, विश्वास भी है। लेकिन वो जो बात कर रहा है आज तो नहीं, ये 2019 से ही कर रहा है। इसका मतलब यही है, अपनी वोट बैंक को ठीक रखो और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को गड़बड़ करो। तो बंगाल में सीए जरूरी क्या लगता है, क्या करें? ये हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम लोग सीए का पक्ष में है। कभी होगा कब होगा एमएचए का मामला है, भारत सरकार का मामला है, इसमें मैं सीधा सीधा कोई टिप्पणी नहीं। केंद्रीय एमओएस जो है मंत्री है ऋषि पटवानी के कन्वॉय के ऊपर अटैक होता है, पुलिस का बयान कुछ अलग आता है, क्योंकि वीडियो में भी देखा गया खुद मंत्री खुद उतर के आ रहे वहाँ पे काला झंडा झंडे के साथ लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? ये बंगाल में कोई भी सेफ नहीं है, ये बंगाल में कोई लोग सेफ नहीं है, इधर डॉक्टर भी सेफ नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी सेफ नहीं है, एक केंद्रीय का गृह मंत्री खुद प्रतिमंत्री सेफ नहीं है। बंगाल में कोई कानून ही नहीं है और पुलिस टीएमसी का काम करता है और काट मनी कलेक्शन करता है, जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है नहीं करता। बहुत तस्करी मामले में 14 दिन का जेल हिरासत हुआ, सहगल को तिहाड़ जेल ले जाने की अब तैयारी, क्या कहना? जाना ही पड़ेगा, ये तो कानून का मामला है ना, ये तो ईडी का केस जो रजिस्टर्ड हुआ दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में जो केस रजिस्टर्ड होता है वो पीसी खत्म होने का बाद जो जेसी होता है वो तो तिहार में ही जाना पड़ता है, ये कोई नया बात नहीं है, ये पहले से ही मालूम है। जो केस दिल्ली में रजिस्टर्ड होता है उसका जो एक्यूज्ड है कानूनी तरीके से उसको जेसी जब मिलेगा तब उसको तिहार जेल ही जाना पड़ेगा, ये बहुत स्वाभाविक बात है। ये तृणमूल का चोरों के लिए जो चिंता का भी बात है, यहाँ जो 5 स्टार का अरेंजमेंट जेल के अंदर ममता जी ने अरेंज किया है वो तो तिहार में नहीं मिलेगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका जेल कोर्ट के अंदर उसको बेनिफिट भी मिलेगा, सब मिलेगा। जो तो ये जो कैटल वाला केस है ना, इसमें तो बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट, कैटल कोल सब मिला के ईडी का जो जो केस दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ, ये मोमिनपुर वाला केस भी है ना, ये रजिस्टर किया उधर, इसमें जो जो एक्यूस्ट है बहुत लोग को तो ईडी सीबीआई ने बुलाया, जो जिसको जिसको ईडी ने बुलाया, खास करके सीबीआई का केस आसानसोल में रजिस्टर्ड है, और जो ये केस दिल्ली में रजिस्टर्ड है जो एक्यूस्ट है जिसको इंटरोगेशन का बाद उसको पीसी लेने का जेसी लेने का प्रक्रिया में है, प्रोसीड्योर में है, वो लोग का तो तैयार में ही होना चाहिए। और पूरा टीएमसी चोर है, कोल का साथ है, कैटल का साथ है, पूंजी कलेक्शन का साथ है, रिक्रूटमेंट स्कैम का साथ है, ये यहाँ 8 से 80 तक सबको मालूम है, पूरा टीएमसी चोर है।